नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो। बोर्ड पे देखिएगा, अजीब सा डर का माहौल बना रहता है। कहाँ पर? घर के अंदर, परिवार में बेचैनी बनी रहती है या उदासी छाई रहती है, दुखी मन रहता है। क्यों होता है ऐसा? आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके घर का माहौल अच्छा हो जाए। सबसे पहले तो जो अजीब सा डर बना रहता है, माहौल बना रहता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस घर के दरवाजे फर्श के साथ रगड़ खाते हैं, आवाज़ करते हैं, दरवाजों के कब्जों में आवाज़ आती है, डोर क्लोजर में आवाज़ आती है, उस घर के अंदर बेवजह की बेचैनी बनी रहती है, उदासी छाई रहती है, मन में घबराहट भी होती है। किस कारण से? जिस घर के दरवाजे फर्श के साथ रगड़ खाते हैं, आवाज़ करते हैं, या फिर डोर क्लोजर आवाज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, जिस घर के अंदर अंधेरा रहता है, क्या रहता है? अंधेरा, डार्कनेस। डार्कनेस कैसे रहती है? घर तो बहुत बढ़िया बनाया हुआ है लेकिन घर के अंदर लाइट ऑन करने में कंजूसी करते हैं, या लाइटें इतनी पुरानी हो गई है, वीक हो गई है कि घर के अंदर जो रोशनी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और जो घर के अंदर खिड़कियां और दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजों से जो आना जाना है सिर्फ उस समय दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे भी बंद रहते हैं, खिड़कियाँ भी बंद रहती है और उनके ऊपर पर्दे भी टाइट करके रखते हैं, घर के अंदर अंधेरा रखते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर अंधेरा बनाए रखते हैं उस घर के अंदर भी उदासी बनी रहती है, हर व्यक्ति परेशान होता है, बेचैन रहता है और उनके काम भी नहीं बनते। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर रोशनी को ज़रूर बढ़ाएं, ट्यूबलाइट्स नहीं लगाएं, खिड़की दरवाज़ों को हर रोज़ खोलें। ऐसा करने से आपके घर का माहौल बढ़िया होता चला जाएगा। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट जिनके यहाँ मैं अभी विजिट करके आया हूँ, उनके यहाँ क्या देखा मैंने कि वो पहले छोटे घर में रहते थे, शहर के अंदर रहते थे, उनके यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट थे, कम पैसे के बावजूद भी वो परिवार खुश था। लेकिन जैसे ही बड़े घर में आए तो घर से ऐसा लगा कि जैसे खुशियाँ चली गई, कई प्रॉब्लम उनके यहाँ हुई। एक तो घर बनाने के बाद जब घर में शिफ्ट हुए उनके फादर एक्सपायर हो गए, एक उनकी सिस्टर जिसकी मैरिज की उसका डाइवोर्स हो गया। घर के अंदर जो माहौल बना हुआ है वो बिल्कुल उदासी का माहौल बना हुआ है, काम की जगह काम प्रॉपर नहीं है, परेशानी बनी रहती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने जो उनके यहाँ देखा, उन्होंने अपने घर के अंदर खिड़कियों और दरवाजों को मैक्सिमम टाइम बंद रखते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, हर कमरे के अंदर लाइट ऐसे थी जैसे मुश्किल से 5% रोशनी हो, जैसे एक छोटा सा बल्ब ऑन कर लेते हैं, इस तरह की रोशनी घर के अंदर थी, हर रूम के अंदर थी। तो मैंने जैसे उन्हें कहा कि आपको अपने इस घर के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए तो आप अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को रूटीन में खोलें, घर के अंदर रोशनी को प्लस करें। ऐसा करने से घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी और नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। आपके यहाँ इस तरह की समस्या आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर भी खिड़की और दरवाजों को रूटीन में खोलें, पर्दों को हटाएं और साथ में घर के अंदर रोशनी को बढ़ाएं। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ऐसे ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जिस घर के अंदर फ्लोर टाइल्स क्या चीज फ्लोर टाइल्स जिस घर के अंदर फ्लोर टाइल्स बसती है, आवाज करती है,
लूज हो गई है, मसाला उसका हट गया है, तो उस घर के अंदर भी बेचैनी बनी रहती है। जो व्यक्ति जिस रूम में रहता है और उस रूम की फ्लोर टाइल ऐसे आवाज़ करती है, चलते हुए आवाज़ आती है, तो उस रूम में रहने वाला व्यक्ति भी बेचैन रहता है, मन में उदासी छाई रहती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आप अपने घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं, अपने रूम का माहौल अच्छा करना चाहते हैं, तो अपने घर की फ्लोर टाइल्स को भी सही जरूर कराएं। अब इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, बेवजह की घबराहट क्यों बनती है, मन में बेचैनी क्यों होती है, मन उदास क्यों रहता है, अजीब सा डर क्यों छाया रहता है। आप अपने घर की दीवारों को चेक करें, आपके घर की दीवारों में क्रैक आई हुई है, दीवारें फट गई है, तो आपके घर के अंदर इस तरह की समस्याएं बनी रहेगी। ओपरा पराया किसी ने कुछ करवा रखा है, इस तरह का आभास आपको होता रहेगा। आप इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर जो दीवारों में क्रैक बनी हुई है, उन क्रैक्स को सही करें। ऐसा करने से आपके घर का माहौल अच्छा होता चला जाएगा, जो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है वो नेगेटिविटी बाहर चली जाएगी और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, समझे, विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है, तो आप अपने यहाँ पर ये छोटे छोटे उपाय करके अपने घर का माहौल अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी हमेशा ही देता रहता हूँ, और मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो बिल्कुल सरल और सिंपल वीडियो होती है, और जितने भी उपाय मैं आपको बताता हूँ वो उपाय ऐसे बताता हूँ जो उपाय आप अपने यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। आपको ये उपाय करने में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं और चारों तरफ घूमकर थक चुके हैं, फिर भी आपकी समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी YouTube पर जितने भी वीडियो है उन वीडियो को आप जरूर देखें। मैंने अपने YouTube चैनल पर 380 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर अपनी समस्या का समाधान खुद भी कर सकते हैं। मैंने आज अपने इस विषय में जो जानकारी दी है, आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं और वास्तुशास्त्र का ज्ञान और अर्जित करना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपके वास्तुशास्त्र के ज्ञान को आगे बढ़ाने में जरूर सहायक होगी। हमारी इस पुस्तक के अंदर बहुत सारे ऐसे गुड रहस्य लिखे गए हैं जिसे आप पढ़कर समझकर अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे आर्किटेक्ट हैं या एस्ट्रोलॉजर है, या आप इंटीरियर डिज़ाइनर है, या आप ड्राफ्ट्समैन हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर है, तो भी आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं, ताकि आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी बिल्डिंग बनवाते हैं, उसके अंदर काम करते हैं, तो उनका घर एज पर वास्तु बन सके, तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।